हेलो कैप्टन्स ऑफ आर्ममेंट, आज के शो में आपका स्वागत है। और आज के शो में मैं बेसिकली तीन न्यूज कवर करूंगा, जिसमें से एक ट्रांसफर न्यूज है एंड दो न्यूज, दो बेसिकली ट्रांसफर न्यूज तो है नहीं, बट बेसिकली आर वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। और पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस के लिए एक छोटा सा अपडेट दे दूं, आईएसएल का फिक्स्चर लिस्ट आ चुका है एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और जमशेदपुर एफसी के मैच से आईएसएल स्टार्ट होगा फ्रॉम द 31st। 31st को जमशेदपुर और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक दोनों के साथ भिड़ेंगी और यही स्टार्ट होगा पहला मैच आईएसएल के सेकेंड राउंड का। क्यों मैंने लिखा है ओपनिंग मैच, क्योंकि सेकेंड राउंड का स्टार्ट नॉर्थ ईस्ट के मैच से ही होने वाला है, द सेकेंड हाफ ऑफ द आईएसएल। सिर्फ चार टीम्स है जिन्होंने बेसिकली 10 मैच खेल के नेक्स्ट राउंड तक चले गए थे, दैट इज ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, हैदराबाद और एफसी गोवा। ये चार क्लब्स बेसिकली एक दूसरे के बीच जो मैच था वो कैंसिल हुआ था, वो मैच भी हो जाएगा। मोहन बगान ईस्ट बंगाल का पहले लेग का डर्बी होगा ऑन द डेट ऑफ 3rd फरवरी। 3rd फरवरी को ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के बीच होगा डर्बी मैच। और पहला मैच जो होगा दैट इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी, और उसमें हमजा रेगुलर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और उससे पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मोस्ट प्रॉब्ली एक ट्रांसफर करेगी। एंड एज फॉर जमशेदपुर एफसी, अब तक कोई ट्रांसफर का न्यूज नहीं मिला। आज सारा दिन मुझे कुछ ट्रांसफर का न्यूज नहीं मिला है, सो देयर इज नथिंग मच टू कवर। बट कल रात का एक ब्रेकिंग न्यूज है, दैट विल बी द नेक्स्ट न्यूज दैट आई विल बी ट्राइंग टू कवर देयर एज वेल। सो नॉर्थ ईस्ट फैन, इससे ज्यादा अपडेट मेरे पास आप लोगों के लिए है नहीं, बट लेट्स टेक द कमेंट। हेलो भाई, डू यू थिंक दैट भेके वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर बीएफसी इंस्टेड ऑफ सना इफ मुंबई रिलीज हिम? आई डोंट थिंक, I still think कि साना is the better option. Anyways, क्योंकि भेके will not be a long term option, साना will be. So भाई, why does BFC doesn't invest in the squad like under Carlos Herrera? मैंने कल कहा था unknown 16, मुझे लगता है कि अब जो आपका जिंदल ग्रुप है, जो आपके स्पॉन्सर्स है, वो बहुत टीम्स के ऊपर मनी स्पेंड कर रहे हैं। उनके कैपिटल्स टीम क्रिकेट खेल रही है बाकी फ्रेंचाइजी लीग में, हरियाणा स्टीलर्स है प्रो कबड्डी लीग में। सो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो हुआ है, दैट माइट बी अ रीजन। मैं तो नहीं जानता भाई, ये तो मैं गलत भी बोल सकता हूँ, सो एब्सोल्युटली नो रीजन, बट मुझे लगता है मे बी शायद उतना ज्यादा जो मनी एक टीम के ऊपर स्पेंड होता था, डाइवर्सिफाई करके बहुत सारे टीम्स के ऊपर मोस्ट प्रोबब्ली स्पेंड हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ नॉर्थ ईस्ट? हर एक दिन मैं बोलता हूँ कि ये बोलना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी हार्ड टू टेल कि क्या होगा नॉर्थ ईस्ट का फ्यूचर, बट जिस भी टाइप में जा रहा है अंदर मंदर तमाने, इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। और आप लोगों के लिए मेरा एक बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज है, एंड अब मैं आपको ये सरप्राइज शो करने वाला हूँ। सो गाइज, बी रेडी फॉर दिस बिग सरप्राइज, कहीं मत जाओ, द बिग सरप्राइज इज हियर फॉर यू। बहुत दिनों से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा नाम आने वाला है आर्म बैंड के चैनल में, एंड इट्स आवर गिफ्ट। आर्म बैंड की तरफ से आप लोगों के लिए ये गिफ्ट है, एंड दिस विल बी फ्री टू वॉच। हम लोग इसमें कोई कुछ नहीं कर रहे, इट विल बी टोटली फ्री टू एयर। और कौन आने वाले हैं? यस, आई विल रिवील। तो गाइस, बेसिकली मैंने पार्थिव का जो वीडियो आने वाला है उसका ट्रेलर प्ले कर दिया है। पार्थिव गोगोई का वीडियो आने वाला है, गाइस बी हाइप्ड फॉर इट। इट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल शो फॉर अस, सो गाइस एब्सोल्युटली वेट फॉर दिस, विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। पार्थिव का वीडियो कब लाओगे भाई? मैं ये नहीं बोलूंगा, सडनली आ जाएगा। आई वॉन्ट टू कीप इट अ सरप्राइज जब भी आएगा। नॉर्थ ईस्ट फैंस, पार्थिव को लाने के लिए बोला था, मैंने पार्थिव को ले आया है। आई वॉन्ट एवरी वन सिंगल नॉर्थ ईस्ट फैन ऑफ आवर चैनल टू वॉच दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में कैसा लगा बताओ, और पार्थिव डू वॉच आवर शो। सो पार्थिव आपके कमेंट्स देखते हैं, he has said me, वीडियो में शायद नहीं है क्योंकि वो ऑफ टॉपिक बात हो रहा था वीडियो के बाद, एंड ही डज वॉच आवर शो, सो येस देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। सो बयान 8x2 saying today Thailand qualified for round of 16, they had a poor FIFA ranking than us, but they still managed to draw against teams like Saudi Arabia. सच बात कहूं, थाईलैंड की टीम की रैंकिंग हमसे नीचे है, बट इसका एक रीजन है, थाईलैंड किस टीम्स के साथ फ्रेंडली खेलती है और इंडिया किस टीम्स के साथ फ्रेंडली खेलती है वो एक बार जाके देख लेना। हम अपना रैंकिंग ठीक करने के लिए किन किन टीम्स के साथ खेलते हैं? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पिछले कुछ दिनों में लेबनान, जो हमसे 3 या 4 रैंक आगे है। ऑन द अदर एंड थाईलैंड यूरोपियन कंट्रीज के साथ फ्रेंडलीज खेलती है। थाईलैंड अर्जेंटीना के साथ फ्रेंडली खेल चुके हैं, जहां पर अर्जेंटीना के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था थाईलैंड का। सो ये तो होना ही था, सिर्फ रैंकिंग देख के टीम्स को जज मत करो, फीफा रैंकिंग बहुत ही गलत है।
आपको लगता होगा कि भाई सैन मेरिनो, लिश्टेनस्टाइन, लिथुएनिया जैसे नेशंस फीफा रैंकिंग में 170 170 बन गए, हम 115 या 16 में राइट नाउ है इंडिया, हम लोग उनको मिट्टी में गाड़ देंगे, इतना अच्छा फुटबॉल खेलेंगे। सच बात तो यह है 170 रैंक लिथुएनिया इंडिया से 20 गुना अच्छा फुटबॉल खेलता है, जस्ट बिकॉज दे आर इन यूरोप, इट्स लाइक दैट। सो थाईलैंड का भी स्टोरी कुछ ऐसा है, ओपोनेंट्स टफ खेलते हैं, कम मैचेस जीतते हैं, बट उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है उन मैचेस का, वो तो आपको एशियन कंपटीशन में दिखेगा ना। तो जो भी हो भाई, अब तो सेकंड न्यूज में आना पड़ेगा। प्रियांशु का कमेंट देख पा रहा हूँ, अंकित का कमेंट, फनजोन का कमेंट, सारे कमेंट्स इसके बाद लूंगा, बट बिफोर दैट मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज, उसके बाद लूंगा। दैट इज सना सिंह इज अ फ्री एजेंट, हमें जो पता चला है, चिंगलिंग सना सिंह ने हैदराबाद एफसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर चुके हैं, एंड राइट नाउ ही इज अ फ्री एजेंट। और उनके पीछे अब तीन क्लब भाग रही है, जो अननेम क्लब के बारे में बात कर रहा था वो अननेम क्लब मोस्ट प्रोबेबली विदड्रॉ कर चुकी है। इट्स अ डायरेक्ट फाइट बिटवीन मोहन बगान, बेंगलुरु एफसी एंड ईस्ट बंगाल, और जिसमें बेंगलुरु एफसी आगे चल रही है। बेंगलुरु एफसी आर लीडिंग द रेस टू साइन चिंगलिंग साना सिंह, और क्यों आगे चल रही है ये मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। चिंगलिंग साना को गेम टाइम चाहिए, और सिर्फ बेंगलुरु एफसी, जहां पे दो फॉरेन सेंटर बैक्स खेल रहे हैं, और जेरा जेरागोजा जो एक इंडियन सेंटर बैक चाहते हैं फर्स्ट टीम के लिए, उसी टीम में चिंगलिंग साना सिंह मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे टू प्ले एज द सोल इंडियन सेंटर बैक। और ये मैं बता दूं बेंगलुरु फैंस को, इसके बाद भी बेंगलुरु शायद एक बैकअप सेंटर बैक खरीद सकती है, मे बी फ्रॉम द आई लीग और या एकेडमी से किसी एक को प्रमोट कर सकती है, क्योंकि नेक्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में बेंगलुरु दो मिडफील्डर्स, एक फॉरवर्ड और एक डिफेंडर, चार प्लेयर्स मतलब चार फॉरेनर्स, एक डिफेंडर, दो मिडफील्डर, एक फॉरेन को लेके खेलेंगे। नाम भी मैं बोल सकता हूँ, डिफेंस में आप स्लावको दमयानोविच या जोवानोविच से किसी एक को देखोगे, मोस्ट प्रोबेबली जोवानोविच को, मिडफील्ड में केजिया विंदोर और जावी खेलेंगे, और अप फ्रंट में आपको अब जो डेनिस स्ट्राइकर नए आए हैं वो देखेंगे। सो बेसिकली दिस फोर प्लेयर्स विल प्ले। सो एक इंडियन सेंटर बैक का जगह बेंगलुरु एफसी जरूर बनता है, एंड दैट्स वाई निखिल, नॉट निखिल भाई, फिर से स्लिप ऑफ टंग, सॉरी फॉर दैट। सो चिंगलिंग साना सिंह इज देयर मेन इंटरेस्ट, और चिंगलिंग साना सिंह लेने की वो लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं, बट लेट्स सी, फाइनली जाके ऐसा भी हो सकता है कि मोहन बगान या ईस्ट बंगाल फाइनली एक बहुत बड़ा दाव मार दे एंड फाइनली एक बहुत बड़ा ऑफर रख दे। पर जितना मुझे पता है, चिंगलिंग साना सिंह वॉन्ट्स गेम टाइम, और वो गेम टाइम उन्हें सिर्फ बेंगलुरु एफ सी ही मोस्ट प्रॉब्ली देगी, एंड दिस इज द रीजन वाई बेंगलुरु एफ सी आर लीडिंग द रेस फॉर चिंगलिंग साना सिंह। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई चिंगलिंग साना क्या ओडिशा एफसी या चिंगलिंग साना क्या एफसी गोवा या चिंगलिंग साना क्या अभी भी नॉर्थ ईस्ट जैसे टीम्स में आ सकती है, आंसर है मोस्ट प्रोबेबली नो, बट वी नेवर नो। अगर कोई टीम जैसे नॉर्थ ईस्ट जैसी टीम जिसके पास इंडियन सेंटर बैक एक्सपीरियंस की कमी है, जैसे चेन्नई एफसी इंडियन अच्छे सेंटर बैक की कमी है, एंड इवन अ टीम लाइक जमशेदपुर एफसी जिनके पास एक इंडियन सेंटर बैक उन्हें चाहिए, बट मुझे अभी भी लगता है कि भाई उन लोगों को बेसिकली नरेंद्र, बेसिकली जितेंद्र सिंह को बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए, दे आर नॉट गिविंग। उसको अगर निकाल देते हैं इन दो टीम्स के पास, नॉर्थ ईस्ट या समवन लाइक एन एफसी गोवा, समवन लाइक चेन्नई, अगर उनके लिए जाना चाहती है, दे कैन गो, बट एज ऑफ राइट नाउ मेरे पास तो कोई न्यूज नहीं है कि ऐसे क्लब्स जा रहे हैं। द ट्रूथ इज ओनली टू क्लब्स विच आर लीडिंग द रेस, बेंगलुरु ऑलमोस्ट उसको साइन कर चुकी है, एंड सेकेंडली सेकेंड प्लेस में मोहन बगान है, और थर्ड प्लेस में ईस्ट बंगाल है। अगर मोहन बगान या ईस्ट बंगाल या बाकी क्लब्स को सेंटर बैक नहीं मिलता चिंगलिंग साना सिंह के फॉर्म में, मोस्ट प्रॉब्ली होर्मीपाम रुईवा के ऊपर ये बाकी टीम्स जाएंगे, एंड केरला ब्लास्टर्स वांटेड टू सेल होर्मीपाम रुईवा, सो होर्मीपाम रुईवा को मोस्ट प्रॉब्ली मोहन बगान या ईस्ट बंगाल कोई एक जाके लेने की कोशिश करेगा, अगर बेंगलुरु एफसी चिंगलिंग साना को साइन कराते। और बेंगलुरु अगर चिंगलिंग साना को साइन नहीं कर पाते, देन दे मोस्ट प्रॉब्ली विल गो फॉर राहुल भेके फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी, ये एक पॉसिबल सोल्यूशन उन लोगों के लिए हो सकता है, दैट इज विदाउट अ सिंगल आउंस ऑफ डाउट। अब ले लेता हूं बाकी कुछ कमेंट्स। भाई कलिंगा वॉरियर्स विल विन द कलिंगा सुपर कप, एब्सोल्युटली, मैंने टूर्नामेंट के पहले ही बोल दिया था कि ओडिशा एफसी फेवरेट्स है, एंड नाउ दे आर इन द फाइनल, तो भाई मेरा प्रेडिक्शन काम आ रहा है। कम ऑन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, लेट्स बिगिन अ न्यू चैप्टर, अंकुर स्टार्ट कर सकते हैं, बट विद मोर पेशेंस, मोर कंफर्ट एंड मोर कॉन्फिडेंस इन देयर बैक एज वेल। सना टू बीएफसी ऑलमोस्ट डन डील, यस दे आर ऑलमोस्ट अ डन डील, और वो इस लीड को, रेस को लीड कर रहे हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट फॉरेन लाइनअप फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फॉर जमशेदपुर, बहुत मुश्किल है, मोस्ट प्रॉब्ली हमजा रेगलरू, मिचेल जबा को, मोहम्मद अली बेमम्मेर और उनके साथ टॉमी ज्यूरिच या नेस्टर एलबीएच में से कोई एक। भाई हीरा मोंडोल को गेम टाइम क्यों नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता, अगर हीरा मोंडोल को गेम टाइम नहीं मिल रहा, ही शुड लीव द क्लब एंड ट्राई टू गेट सम।
टू रिवेंज कम सून, पर किस टीम के अगेंस्ट रिवेंज लोगे? जमशेदपुर के, जमशेदपुर भी तो ये बोल सकती है, इट्स वेरी हार्ड टू टेल। वेर इज हीरा एंड चारा? चारा प्लेड गुड इन डूरन, ही इज यंग ऑल्सो। भाई ये तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के अंदर वाले लोग ही बता सकते हैं, बाहर से कैसे बोलूं भाई। मालूम ही था, प्राउड मोमेंट फॉर आसाम, बिल्कुल बिल्कुल। बैड स्पोर्ट्समैनशिप फ्रॉम ग्रिफिथ, जॉर्जे पिराडियाज एंड गुरकीरत, इसके बारे में भी मैं जरूर बात करूंगा प्रियांशु, सो लेट्स वेट फॉर इट, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी है ओडिशा एफसी का जाना। आई थिंक पीटर क्रेट की मेड सम हार्ड स्टेप्स टू कंट्रोल सिचुएशंस लाइक दिस, और वो लेंगे भी ओम कटकर, जरूर लेंगे ओम। एंड देन स्लावको विल मूव फ्रॉम बीएफसी, और मुझे यही लगता है कि स्लावको दामियानोविच के पीछे मोस्ट प्रॉब्ली मोहन बगान, अगर ब्रेंडन हैमिल को छोड़ देती है, आई थिंक मोहन बगान विल गो फॉर स्लावको दामियानोविच। ट्रेवर सिंक्लेयर से क्या फायदा हुआ, ये सिर्फ ट्रेगो स्टीमा जानते हैं, और ये राज उन्हीं उन्हीं के साथ रह गया है, सो वही हमें बोल पाएंगे कि क्या हो सकता है। कलिंगा सुपर कप फाइनल प्रेडिक्शन, ओडिशा एफसी विनिंग द मैच बाय कंफर्टेबली 2-0 विक्ट्री। हम जीत गए, प्रमोदिनी बिल्कुल जीत गए, और वही न्यूज मैं कवर करूंगा। बीएफसी टू गो फॉर एन इंडियन स्ट्राइकर कॉज छेत्री एज एंड शिवा नॉट फायरिंग, बट इंडियन स्ट्राइकर अच्छे हैं कहां पे? कोई रिवेंज नहीं होगा, हम जीतेंगे इन होम। मुझे लगता है ओडिशा 2-0 गोल से तो जीतेगी। व्हाई डोंट यू मेक अ स्पेशल वीडियो फॉर ओडिशा एफसी? भाई अब तो स्पेशल वीडियो किसी भी टीम का नहीं आने वाला, क्योंकि आप लोग सब ने मेरा दिमाग खराब करके रखा था कि भाई मेरे टीम का कवर करो, मेरे टीम का कवर करो। सो हमने आर्म बैंड में ये डिसीजन लिया है कि अपार्ट फ्रॉम एनी बिग ट्रांसफर्स, कोई बड़े ट्रांसफर अगर नहीं होता, अब से हर रात को मैं 2 या 3 शो एक साथ, 2 या 3 न्यूज एक साथ लेके आऊंगा, ताकि 2 या 3 टीम्स के वीडियो कवर कर पाऊं। क्योंकि हर एक दिन मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ओडिशा का नहीं हुआ, हैदराबाद का नहीं हुआ, बेंगलुरु का नहीं हुआ। भाई ये प्रॉब्लम ही मैंने बेड़ा गर्क करके रखा था लोगों ने, तो मैंने डिसाइड कर दिया है फ्रॉम नाउ आर्मबैंड से रात को 3 न्यूज हम कवर करेंगे। है अगर ऐसा होता है कि कोई बड़ा ट्रांसफर ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट, गोवा, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, बेंगलुरु कर दे, देन ओनली देर विल बी अ सिंगल शो। अदरवाइज कोई बड़ा साइनिंग अगर नहीं होता है, वी विल मेक दिस शो, ताकि सब टीम्स का कवर हो सके। ओडिशा एफसी जिंदाबाद फुल भाई, ईबीएफसी एंड जेएफसी से लेना है, ले लो भाई, चांस तो है, सॉरी सीएफ। चलो चलो लेट्स कवर द फाइनल न्यूज। ओडिशा एफसी इन द फाइनल, यस ओडिशा एफसी आर इन द फाइनल। और फाइनल में ओडिशा एफसी की तारीफ के पुल बांधने से पहले मैं फर्स्ट चीज बोलना चाहूंगा, मुंबई सिटी एफसी के कोच पीटर केटकी को ठंडे दिमाग से यह सोचना पड़ेगा कि कैसे वो अपने टीम के टेम्पर कंट्रोल करेंगे। इसको लेके केरला ब्लास्टर्स का मैच, मोहन बगान के खिलाफ मैच, और उसके बाद आज ओडिशा एफसी के खिलाफ मैच में मल्टीपल रेड कार्ड्स मिले हैं मुंबई सिटी एफसी को एक ही गेम में। मुंबई सिटी एफसी की टीम आर अ वेरी वेरी गुड फुटबॉल क्लब, उनका फुटबॉल बहुत ही ल्यूसिड फ्लूइड और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट सच बात तो ये ही है कि जो टीम है बेसिकली यहां पे, इसमें कोई डाउट नहीं है द टीम इज वेरी गुड, बट द टीम इज सफरिंग फ्रॉम एटीट्यूड इश्यूज। मुंबई सिटी एफसी के पास एटीट्यूड इश्यूज हो रहे हैं, वो पिच में जो एरोगेंसी दिखा रहे हैं उससे उनको रेड कार्ड मिल रहा है, और इस रेड कार्ड का इंपैक्ट इस टीम को बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आज जो 2 प्लेयर्स ने रेड कार्ड देखे हैं, दे विल नॉट प्ले इन द आईएसएल फर्स्ट 2 गेम्स, दैट वाज अ डायरेक्ट रेड कार्ड। सो आपको समझना पड़ेगा, पीटर केटकी को डिसीजन लेना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा, क्योंकि ये इशू स्टार्ट हुआ था फ्रॉम सर्जियो लोबेरायरा, कंटिन्यूड इन द देश बकिंग है मेरा, उसके बाद पीटर केटकी की एरा में भी यही चीज हो रहा है। सो पीटर केटकी माइट हैव टू टेक सम हार्ड डिसीजंस, और आइदर मुंबई सिटी एफसी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाले हैं विदाउट अ डाउट। सो चलो भाई मुंबई सिटी एफसी का तो बात कर लिया जाते, देखो भाई मैं टैक्टिक्स वैक्टिक्स के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत हार्ड फॉट मैच था, दोनों टीम्स ने अपने टैक्टिक्स को यूज किया, डिएगो मॉरिशियो का पेनल्टी इस मैच का एक रीजन बना, बहुत कुछ टैक्टिक्स देखने को मिला, बट टैक्टिक्स साइड में रखो, लेट्स टॉक अबाउट ओडिशा एफसी, एक टीम जिसने सीजन बहुत बुरे तरीके से शुरू किया था, बुरे तरीके से। द फर्स्ट मैच द सीनियर टीम प्लेड, लॉस्ट 4-0 टू मोहन बगान, मेन प्लेयर को रेड कार्ड मिल चुका था, सीजन लग रहा था कि भाई अब इस बार शायद लोबेरा मैजिक काम नहीं करेगा, एंड अगेन सर्जियो लोबेरा शोड व्हाई ही इज द पेप गुआर्डियोला ऑफ दिस लीग। मैं हर वक्त मजाक से ये बोलता हूं, हमारे लीग के पास भी एक पेप गुआर्डियोला, एक जोसे मोरिनो है, हमारे लीग का पेप गुआर्डियोला आईएसएल का है सर्जियो लोबेरा, और यहाँ का जोसे मोरिनो एंटोनियो लोपेज हवास, और सबसे मजे की बात है, एंड करेंटली बोथ ऑफ देम आर कोचिंग टू आईएसएल क्लब्स, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी हाउ दिस टीम परफॉर्म्स। सो भाई अब तो भाई जोसे एंटोनियो लोपेज हवास की बात तो होगी नहीं, यहाँ पे किसकी बात होगी, यहाँ पे बात होगी अबाउट नन अदर देन ओडिशा एफसी के कोच सर्जियो लोबेरा की, कैसे एक टीम, और अगर मैं ऑन पेपर ओडिशा एफसी के टीम को देखूं, 7 इंडियन प्लेयर्स और 4 फॉरेनर्स को लेके, या 6 फॉरेनर्स 5 इंडियन प्लेयर्स को लेके,
ऑन पेपर फॉरेनर्स तो बहुत अच्छे हैं, बट इंडियन प्लेयर्स में मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि ओडिशा के पास बहुत ज्यादा अच्छे इंडियन प्लेयर्स है नहीं, बट उसके बाद भी दे आर एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट, दैट्स द वर्ड, दे आर एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट। उन्होंने कैसे सर्जियो लोबेरा ने फिर से दिखा दिया कि सर्जियो लोबेरा के पास एक प्लेयर से उनकी बेस्ट, और मैं जहां पे बेस्ट बोल रहा हूं, बेस्ट एबिलिटीज है करने के लिए, उनसे बेस्ट फुटबॉल आप निकाल सकते हो। आइजैक के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अमय राणावारे जो मुंबई सिटी एफसी के बेसिकली खर्चे के खाते में आ गए थे, मतलब एक प्लेयर जिसको शायद वो डिस्कार्ड करने के लिए या लॉन्ग टर्म सोच में लोन देने के लिए सोच रही थी, उनको लाके टीम के लिए अच्छा फुटबॉल खिलाना, विघ्नेश दक्षिणामूर्ति को ले आना, ऑफ फॉर्म जेरी लालिंस वाला से अच्छा परफॉर्मेंस निकालना, मिडफील्ड में जाके रेनियर जैसे प्लेयर, बेसिकली नॉट रेनियर, सॉरी रेनियर राउलिन नहीं, मैं रेनियर इतने बार बोल चुका हूँ कि ये गलती हो जाता है, लेनी रॉड्रिगेज जैसे एक प्लेयर को ले आना मिडफील्ड में, उनसे अच्छा परफॉर्मेंस, पुइत्या एंड आउट ऑफ फेवर पुइत्या, उनको मोहन बगान से ले आना, ट्रांसफर मार्केट में जाके रूट साइनिंग्स करना, पैसा स्पेंड किया बट पैसा ऐसा नहीं कि मोस्ट ऑफ द पैसा चले गया फॉरेनर्स के ऊपर, सो इंडियन प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने जितना पैसा खर्च किया फॉर पुइत्या, दे हैव बॉट प्लेयर्स वर इंटरेस्टिंग, जो टीम के यंग प्लेयर्स थे उनको उसके बाद भी कंटिन्यूड गेम टाइम दिया। सर्जियो लोबेरा के नाम पे एक चीज जो आने लगी थी कि भाई सर्जियो लोबेरा चांस नहीं देते, सर्जियो लोबेरा डजंट गिव चांस टू द यंग प्लेयर्स, सो वो जो मिथ था उन्होंने तोड़ दिया, यंग प्लेयर्स उनके टीम में खेल रहे हैं, बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, एंड मे बी बहुत जल्दी ओडिशा से दो या तीन प्लेयर्स नेशनल टीम में भी फुटबॉल खेलेंगे, एंड दैट्स व्हाट सर्जियो लोबेरा हैज डन फॉर द टीम एज वेल। जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हो, बी इट नॉर्थ ईस्ट फैन, बी इट ओडिशा फैन, बी इट मुंबई फैन, या आप अगर बेंगलुरु फैन हो, जो भी हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे देन और भी ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो नहीं जाएगा और हम ज्यादा वीडियोस कवर नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द बाय फाइनल टीम्स एज वेल। भाई आई थिंक ज़िराट ज़ारागोज़ा हैव द बेस्ट इंप्रूवमेंट इन टीम विद द रिसोर्स अवेलेबल। नहीं भाई, बेंगलुरु हैव डन वेल, बट विदाउट अ डाउट जुआन पेड्रो बनाली विल टेक दैट। जुआन पेड्रो बनाली के पास जो स्क्वाड है वो सबसे अच्छा फुटबॉल खिलाड़ा है उनके पास जितना पैसा है। ऑन द अदर हैंड भाई, बेंगलुरु जब सारे प्लेयर्स लौटाएंगे, बेंगलुरु 3 or 4 नेशनल टीम प्लेयर्स विद द कैप्टन लीला लेजेंड हिमसेल्फ, जमशेदपुर वर्सेस एनयूएफसी में कौन जीतेगा बोलना बहुत मुश्किल है भाई, 50-50 मैच है, बोथ ऑफ द टीम्स आर गुड। भाई आई थिंक ईस्ट बंगाल विल विन, डायमंड हो सकता है, बट मेरा पैसा ओडिशा एफसी के ऊपर होगा, दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड स्टेलर। आईएसएल फाइनल मोरिनो वर्सेस पे विल लव इट, हो सकता है, वाई नॉट, क्योंकि जोसे एंटोनियो लोपेज हवास के अंदर बेसिकली एटीके जब थी, एटीके मोहन बगान जब थी, सेमीफाइनल्स टीम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती थी एंड दे मोस्ट प्रोबब्ली क्वालिफाइड अंडर हिम एज वेल। क्या एनयूएफसी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई होगा? भाई एनयूएफसी का फाइट ईस्ट बंगाल और चेन्नई के साथ डायरेक्ट होगा, इफ दे कैन दे कैन। भाई पार्थिव पॉडकास्ट विल बी आउट टुमारो 10:45। देखो भाई आर्म बैंड के जो बाकी लोग भी है उन्होंने अनाउंस भी कर दिया मेरे जानने से पहले, सो दिस इज द ट्रूथ। कल 10:45 को आने वाला है पार्थिव के साथ पॉडकास्ट, पार्थिव के साथ पॉडकास्ट देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, और कल रात को मैं नहीं आने वाला। सो गाइज कल रात को पॉडकास्ट है, अगर कोई बहुत बड़ा न्यूज आ जाता है आई विल कवर दैट इन द इवनिंग, क्योंकि यहाँ पे कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर चल रहा है, सो मैं बुक फेयर में जाके बुक्स खरीदने जाऊंगा, सो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। सो कल शाम को अगर कुछ बड़ा होता है आई विल मेक सम न्यूज, अदरवाइज आप कल आप मेरे साथ मोस्ट प्रोबेबली आपका मीट नहीं होगा। सो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। Who will have a ISL turnaround in the second season नहीं बस second part of the season में मुझे लगता है एक टीम जो जरूर turnaround करेगी, जिसका फुटबॉल मुझे लगता है कि वो एक बहुत ज्यादा चैलेंज देगी फॉर द लीग शील्ड, ओडिशा एफसी। मुझे लगता है ओडिशा एफसी विल डू अ turnaround। जिस टीम मुझे लगता है थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है वो है एफसी गोवा, अगर वो सीएम ना खरीदते देन मुझे लगता है उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो सकता है। अनप्रिडिक्टेबल मुंबई और मोहन बगान आर अनप्रिडिक्टेबल, नए कोच पीटर केटकी और दूसरे सरफ में जोसे एंटोनियो लोपेज हवास कैसा काम करेंगे उनके टीम के साथ, ये भी देखना पड़ेगा। ऑल इन ऑल सेकेंड हाफ ऑफ द आईएसएल सीजन विल बी प्रीटी इंटरेस्टिंग, प्रीटी लवली एंड मोर देन एनीथिंग बहुत अच्छा लगेगा भाई देखने में। मुंबई नीड्स अ प्लेमेकर भाई नसर अल खयाती वो काम कर सकते हैं, बट आपको नसर अल खयाती को सीएम खिलाना पड़ेगा एंड दैट्स नॉट द सीन। जेएफसी एनयूसी साइंड अ न्यू यंग गोलकीपर फॉर सीएफसी, बट वो भाई अकेडमी टीम के लिए है। सेल्वो विल डेफिनेटली मूव फ्रॉम ईबीएफसी और एनयूएफसी। साल्वो मतलब क्या, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हो साल्वो? इज इट सिवेरियो? लेट्स सी, सजेस्ट मी सम बुक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो भाई रूद गुलित का बुक जो था और जो इन्वर्टिंग द पिरामिड था, इन दोनों का नाम मैं नहीं बोलूंगा, मैं एक बुक का नाम बोलूंगा जो जिस बुक का नाम है मिक्सर पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है।
मिक्सर, दैट विल बी अ बुक जहां पे आपको टैक्टिक्स और मॉडर्न फुटबॉल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उसके बाद जोनल मार्किंग बोल के एक बुक है, वो आप पढ़ सकते हो, जिन्होंने बेसिकली लिखा है वो बुक, इन्वर्टिंग द पिरामिड, उन्होंने ही लिखा है उस बुक को। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो रीड। ये दो बहुत अच्छे बुक्स है। सो भाई नेक्स्ट ईयर से सुपर कप साइड होगा, आईएसएल के साथ साथ हर स्टेडियम में होगा मैच। यस यस यस, नेक्स्ट साल से ये होम और अवे फॉर्मेट में डबल लेगेड टाइज वाला होगा। बेंगलुरु एफसी स्लावको दामियानोविच, बेंगलुरु सीबी, यस बेंगलुरु सीबी स्लावको, मुझे लगता है स्लावको किसी और क्लब में जा सकते हैं, मे बी मोहन बगान हो, ईस्ट बंगाल हो, बीएफसी हो, बीएफसी से तो निकलेंगे, बट आई आई थिंक ही कैन गो समवेयर एल्स एज वेल। भाई आप इंडियन फुटबॉल के फैब्रिजियो रोमानो हो? बिल्कुल नहीं भाई, फैब्रिजियो रोमानो तो आशीष नेगी है, फैब्रिजियो रोमानो तो मार्कस भाई है, मार्कस सर होंगे, आशीष नेगी है, दे आर द फैब्रिजियो रोमानो। आप अगर मुझे कुछ बोल सकते हो देन मुझे आप स्काई स्पोर्ट्स के साइमन जॉर्डन, स्काई स्पोर्ट्स नहीं, बेसिकली टॉक स्पोर्ट्स के साइमन जॉर्डन बोल सकते हो और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे तो मैं अपना शो चलाता हूँ, वहां पे मैं न्यूज कवर करता हूँ। आई वुड रेदर बी कॉल्ड, देखो भाई सीबीएस का थियरी ऑनरी बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगा, कुछ ऐसा ही सीन है मेरा यहाँ पे। सो भाई ओडिशा का भी कोई साइन कर सकती है एफसी कप के लिए हिसाब से, दे कैन बट विल दे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। एनी न्यूज अबाउट जूनियर मोरेनो? एज ऑफ राइट नाउ कोई न्यूज है नहीं, इट डज सीम लाइक अ फेक न्यूज राइट नाउ। फेक न्यूज नहीं है, देखो एक क्लब 7 या 8 प्लेयर्स के साथ बात करती है, उससे एक प्लेयर खरीदती है, सो जूनियर मोरेनो विल बी वन ऑफ दो 7 और 8 प्लेयर्स जिसके लिए टीम बात कर रही है। विल ही कम, दैट समथिंग दैट हमें देखना पड़ेगा। वाई मुंबई डिडंट ब्रॉट द मेन प्लेयर्स इन द सेकेंड हाफ? बिकॉज मुझे लगता है कि मुंबई मुंबई वॉन्टेड टू ट्रस्ट द यूथ, और यूथ को आप जब ट्रस्ट करोगे यू कांट टेक आउट, देखना पड़ेगा भाई। गावी एंड पेदरी टू मुंबई डन? बिल्कुल भाई, गावी पेदरी डन है, एक हम मोहन बगान वाले बेलिंगम को ले आएंगे। कार्लोस काल्वो पहले खेल चुका है ना आईएसएल? यस कार्लोस काल्वो हैज प्लेड इन द आईएसएल। मेरे पास दो क्वेस्ट है, एक कोहिनूर कब आएगा, सिंकले इतने पैसे में क्या किया? सच बात है प्रमोदिनी भाई, सेम सेम, आई 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 बिलीव इन यू, आई बिलीव कि भाई कोहिनूर कब आएगा, इसका भी कोई आंसर नहीं है। ट्रेवर सिंकलर ने इतने पैसे के साथ क्या किया है, और दूसरी बात है अगर ट्रेवर सिंकलर इतना पैसा लिया ही है, ही शुड स्टे विद द टीम एंड बिकम अ परमानेंट सपोर्ट स्टाफ एज वेल। भाई यू आर द पेप गार्डियोला, हाँ ये बोल सकते हो, पेप गार्डियोला वाम बैंड मीडिया, ये मैं लूंगा, आई विल टेक दिस कॉम्प्लीमेंट। बट सुरजीत सिंह, हाँ हाँ ये सुरजीत, केट अब्दो कहाँ है भाई? लाइफ में केट अब्दो की जरूरत तो जरूर है, नीड अ केट अब्दो इन लाइफ एज वेल, बट क्या करूं भाई, सिंगल आदमी को ये सब बोल के तकलीफ क्यों देना। नीड अ केट अब्दू, इफ सौरव एंड अदर्स आर वॉचिंग दिस, भाई हमारे शो में भी एक केट अब्दू ले आओ, एंड लेट मी प्ले द रोल ऑफ थियरी ऑनरी, सो दैट विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग एज अ वेल। इफ एथलेटिको बिलबाओ कैन ब्रिंग इनाकी विलियम्स आफ्टर 12 आवर फ्लाइट, वाई एमसीएफसी वाई नॉट? भाई प्लेयर्स है भाई, प्लेयर्स है, प्लेयर्स है। इज जिंगन आउट ऑफ आईएसएल एज ऑफ राइट नाउ? नो, बट इंजरी सीरियस है। एनयूएफसी एनी न्यूज? नो, एज ऑफ राइट नाउ कोई न्यूज नहीं है। जो भी हो गाइस, आज के लिए इतना ही। ये इंडियन फुटबॉल फैन एंड सिंगल का क्या रिलेशन है भाई? जो भी रिलेशन है बहुत तगड़ा रिलेशन है, चल रहा है भाई। जो लोग इंडियन फुटबॉल देखते हैं आप समझो, इंडियन फुटबॉल के मैचेस कब होते हैं? 7:30 बजे और 8 बजे को। जिसको कपल होना होगा, जिसको प्यार प्यार करना पड़ेगा, उसको तो शाम को निकलना पड़ेगा ना गर्लफ्रेंड के साथ। वो मैं गर्लफ्रेंड के साथ ना निकल के अगर बैठ के आप इंडियन फुटबॉल का मैचेस देखो तो कहां से टाइम मिलेगा? तो यही रीजन है शायद हम लोग यहाँ पे सिंगल है सब। भाई एमबीएस जी ओशीमेन को ले ले यूरोप में तो नहीं मिलेगा। भाई ओशीमेन भी कुछ नहीं कर सकते इस टीम के साथ, दे नीड मोहन बगान नीड्स गॉड्स हेल्प राइट नाउ। भाई साइकिल किक का भी कमाल मारता है टॉमी ज्यूरिच, बिल्कुल बिल्कुल ले ले बिना। प्रोजेक्ट केट अब्दो इज ऑन देन, एब्सोल्युटली आप मैन वाले, प्रोजेक्ट केट अब्दो को ले आओ, आई नीड अ केट अब्दो इन दिस शो, फाइंड इट। जो भी हो इसके पीछे सौरभ और सुहास भाई, सिंगल को आदमी को इतना परेशान मत करो। माइका लेके ट्रोल कर दो भाई, कॉमेडी हो जाएगा। नहीं भाई मैं माइका को लेके ट्रोल फोल नहीं करूंगा, लोग मुझे रेसिस्ट फेसिस्ट बोल देंगे, मुझे नहीं चाहिए भाई। क्रेजी लॉजिक भाई, क्रेजी लॉजिक है बट ट्रूथ तो है भाई। शाम को अगर मैं बैठ के इंडियन फुटबॉल का मैच देखूं तो कहां से लड़की पटेगी भाई, वो भी तो काम है ना। बट इज झिंगन आउट ऑफ आईएसएल? यस यस यस, झिंगन इज करेंटली आउट ऑफ द आईएसएल। करेंट भाई आउट ऑफ द आईएसएल नहीं है, कुछ मैचेस नहीं खेलेंगे भाई। आप सिंगल हो भाई, कितनी बार बोलो, हाँ हूँ हाँ हाँ। एमबीएससी नीड अ रॉड्री रदर देन ओशिमेन। मोहन बगान सुपर जायंट्स को रॉड्री भी नहीं, कैसेमीरो चाहिए या एक फेबिनियो चाहिए या एक रॉड्रिगो डेपोल चाहिए, एक सीडीएम हार्ड एंड प्रॉपर एंड टफ सीडीएम। भाई एम्बापे रियल मैड्रिड जाएगा तो एमबीएसजी भी जीतेगी, बिल्कुल बिल्कुल।
आज रेड कार्ड के बारे में कुछ बताओ भाई। रेड कार्ड के बारे में क्या बताओ, रेड कार्ड मिला, इल टेम्पर्ड बिहेवियर था, यही था। पर जो भी हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अंटिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम अंबे एंड टाटा, एंड आई वांटेड टू फिनिश दिस शो विद इन 20 मिनट्स, बट आप लोगों के प्यार और आप लोगों के क्वेश्चन की वजह से 20 मिनट्स से कभी खत्म नहीं हो रहा। आई विल ट्राई इट अगेन द डे आफ्टर टुमारो। सो फिर मिलते हैं, अगर कुछ बड़ा कोई सरप्राइजिंग बिग न्यूज नहीं आता, आपसे मिलूंगा परसों के दिन को, और अगर कुछ बिग न्यूज आ जाता है देन विल मीट यू टुमारो। सो गाइस टाटा एट आमबैंड, और कल रात को 10:45 को पार्थिव गोगोई का जो पॉडकास्ट है वो आने वाला है, नॉर्थ ईस्ट वाले। प्लीज प्लीज वॉच दिस वन, एंड कमेंट सेक्शन में लिखना, बिकॉज पार्थिव विल वॉच दिस। सो गाइस टाटा।